वेलकम दोस्तों, शिव शक्ति इंग्लिश एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज है 25 जून 2021 और आज के हम डेली सेंटेंसेस 10 सेंटेंसेस लेके आ चुके हैं। आपको पता है कि हमारे चैनल पर हम हर रोज़ शाम 8 बजे नई वीडियो डालते हैं, तो हमारी वीडियोस को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला हमारा सेंटेंस है आई एट ऑलरेडी। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या हमारा, सब्जेक्ट है आई, क्योंकि किसने खाया, मैंने खाया, तो आई एट, एट मतलब खाना, खा लिया, ऑलरेडी मतलब पहले ही, तो मैंने पहले ही खा लिया है। तो ये कौन सा टेंस है, ये है हमारा प्रेजेंट नहीं है, ये है हमारा पास्ट सिंपल, ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आई एट ऑलरेडी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया एट, ईट की जगह एट आ गया है, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आई कैन नॉट हेयर यू, मैं आपको नहीं सुन सकता, तो सब्जेक्ट क्या है आई, क्या नहीं कर सकता, मैं सुन नहीं सकता, तो सुनने क्या बोलते हैं हेयर, सो आई कैन नॉट हेयर यू, मेरे साथ रिपीट करें, आई कैन नॉट हेयर यू, आई कैन नॉट हेयर यू। दोस्तों रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप रिपीट करेंगे उतना आपकी मसल मेमोरी बनेगी, आपकी ब्रेन मेमोरी बनेगी, तो आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आई वुड लाइक टू गो फॉर अ वॉक, मुझे टहलने जाना है या मैं टहलने जाना पसंद करूँगा। आई वुड, ये जो आई है इसमें सब्जेक्ट क्या है, पहले मुझे ये बताओ आप किसमें सब्जेक्ट क्या है, कमेंट करके मुझे नीचे बताओ किसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है वो मुझे आपको कमेंट करके नीचे बताना है। उसके बाद आई के बाद में ऊपर कोमा है, फिर डी है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है वुड, तो आई वुड लाइक। जब भी देखिए हम अपनी विशेष बताते हैं या हमारी लाइकिंग बताते हैं तो हम वुड का यूज़ करते हैं, तो आई वुड लाइक टू गो फॉर अ वॉक, वॉक क्या होता है टहलना या चलना, तो आई वुड लाइक टू गो फॉर अ वॉक, मैं बाहर जाने टहलने के लिए बाहर जाना पसंद करूँगा या मुझे टहलने जाना है, ओके। नेक्स्ट क्या है आई डोंट नो हाउ टू यूज इट, मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे करना है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या हमारा आई, क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट कौन होता है, जो कर्म करता है या जिसके बारे में बात चल रही होती है, जो कहानी का हीरो होता है, ठीक है, जो कहानी का हीरो होता है वो होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है आई। अब इसमें क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मुझे नहीं पता तो मैं कोई चीज़ मना करने की कोशिश कर रहा हूँ तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, तो क्या आ जाएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि डू नॉट या डज नॉट, लेकिन ये आई है तो आई के साथ क्या आता है डू नॉट, ही और शी के साथ क्या आता डज नॉट, वेरी गुड, आई के साथ आएगा डू नॉट, तो आई डू नॉट नो, नो मतलब जानना, हाउ टू यूज इट, हाउ टू यूज के कैसे, हाउ का मतलब होता कैसे और यूज मतलब उपयोग करना, तो क्या बनेगा हमारा आई डोंट नो हाउ टू यूज इट, आई डोंट नो हाउ टू यूज इट, मुझे नहीं पता कैसे यूज करना है या कैसे उपयोग करना है, आई डोंट नो हाउ टू यूज इट, आई डोंट नो हाउ टू यूज इट, ओके। नेक्स्ट क्या है आई डोंट लाइक हिम, तो अगेन सब्जेक्ट क्या है आई, उसके बाद क्या है डोंट, मैंने अभी बताया था ऊपर, लाइक मतलब पसंद और हिम, तो मैं उसे पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हिम, हिम मतलब वो, उसे, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट ले लेते हैं आई डोंट लाइक इट, अब वहां पर क्या था, वो था आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता, हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो हिम और हर जो है वो हम या यूज करते हैं लड़का और लड़की के लिए, अगर लड़की या महिला है तो हम बोलेंगे आई डोंट लाइक हर, एच ई आर हर, और अगर लड़का है तो हिम, एच आई एम हिम। अब यहाँ पर क्या है कि ना लड़का है ना लड़की है, कोई वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं इट, तो क्या बोलूँगा मैं आई डोंट लाइक इट, मुझे यह पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट।
दोस्तों रिपीट करते जाना है, बिकॉज रिपीटेशन इज द की, रिपीटेशन इज द की टू फ्लुएंसी। सो यू शुड रिपीट विद मी एंड आफ्टर दैट, आपको मेरे साथ और उसके बाद भी इसको रिपीट करना है सेंटेंसेस को। अगर रिपीट नहीं करेंगे तो फ्लुएंसी नहीं आएगी। ओके, अगला वो ले लेते हैं, अगला अपना सेंटेंस देख लेते हैं। आई डोंट स्पीक वेरी वेल, आई डोंट स्पीक वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा नहीं बोलता। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आप लोगों को पता ही हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई। और वर्ब क्या है यहाँ पर? अच्छा वर्ब बताएं कि वर्ब क्या है, वर्ब है, क्या है वर्ब? स्पीक, बोलना। तो आई डोंट स्पीक वेरी वेल, बहुत अच्छा नहीं बोलता मैं। दोस्तों वर्ब को पहचानना बहुत जरूरी है, और प्रेजेंट का जो हमारा सिंपल होता है उसमें हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, जो हमारा पास्ट का सिंपल होता है उसमें हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। तो आई डोंट स्पीक वेरी वेल। अच्छा अगला ले लेते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो अंडरस्टैंड मतलब होता है समझ या समझ में आना, तो आई है और नेगेटिव सेंटेंस है तो डू आएगा, डू नॉट आएगा, तो आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, नेक्स्ट क्या हमारे नेक्स्ट है, आई डू नॉट वॉन्ट इट, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। आई डू नॉट वॉन्ट इट, वॉन्ट मतलब होता चाहना। तो आप इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, अगर आपको कोई टी ऑफर करता है या आपको कोई आपके साथ में जबरदस्ती करता है कि आप जबरदस्ती चाय पी लो, तो आप क्यों बोलेंगे? आई डोंट वॉन्ट इट, ठीक है, कि मुझे यह नहीं चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट दैट, मैं यह नहीं चाहता। अब देखिए इट का मतलब है यहाँ पर, जैसे आपके सामने अगर कोई चीज़ है, जब आप किसी से बात कर रहे हैं और आपके सामने अगर कोई चीज़ है तो आप बोलेंगे इट। लेकिन अगर कोई चीज़ वहाँ पर आपके सामने नहीं है लेकिन आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे आप और आपका दोस्त बात कर रहे हैं और आपका दोस्त कहता है कि मैंने तेरी एक बुक ले रखी थी, वो बुक मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, तो वो बुक अभी आप दोनों के जब बात करते हुए आपके सामने नहीं है या आपके साथ में नहीं है, वो बुक उसके घर पर रखी है, तो आप क्या बोलेंगे? आई डोंट वॉन्ट दैट, मैं वह या यह नहीं चाहता। आई डू नॉट वॉन्ट दैट, आप आगे ये भी बोल सकते हैं, आई डू नॉट वॉन्ट दैट बुक, अगर बुक की बात हो रही है तो आप बोल सकते हैं आई डू नॉट वॉन्ट दैट बुक, ठीक है, आई डू नॉट वॉन्ट दैट बुक, आई डू नॉट वॉन्ट दैट बुक, ठीक है। और अगर बुक वहीं पर ही होती उसके साथ में तो आप बोलते हैं आई डू नॉट वॉन्ट दिस बुक, तो अगर वहीं पर ही होती तो दिस आ जाता और अगर दूर है तो दैट। नेक्स्ट है आई डू नॉट वॉन्ट टू बॉदर यू, बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, और यहाँ पर तो वर्ब क्या है हमारी, वर्ब है हमारा वॉन्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है यू। आई डू नॉट वॉन्ट टू बॉदर यू, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता। आई डू नॉट वॉन्ट टू बॉदर यू, आई डू नॉट वॉन्ट टू बॉदर यू, आई डू नॉट वॉन्ट टू बॉदर यू। तो दोस्तों आपको सभी सेंटेंसेस रिपीट करने हैं, नोटबुक अगर आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोटबुक में आपको लिखना है, और यही है की टू फ्लुएंसी। तो दोस्तों आज के लिए इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे शाम 8 बजे। आप ज़रूर दोबारा से अच्छे से इस वीडियो को देखें और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर करें, इन सेंटेंसेस को अपने रियल लाइफ में यूज़ करें। सुरक्षित रहें, खुश रहें, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।